बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्यू सची है न्यूज़ के साथ मैं हूँ आयशा कंवल। सियालकोट से क्राइम रिपोर्टर सजय सयाम शाह की रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटने वाला गैंग सियालकोट पुलिस के शिकंजे में 21.5 लाख रुपए माल मसूल का नजायज असला बरामद। तफसीलात के मुताबिक थाना गोकी के इलाका में शहरी असद उस्मान अपने एक साथी के साथ बैंक से रकम मुबरगा 25 लाख रुपए लेकर फैक्ट्री जा रहा था। केनादी टाउन फैक्ट्री के पास 2 अगस्त नामलूम मोटरसाइकिल 125 सवार ने असला के जोर पर इनसे रकम छीन कर फरार हो गए। इस वारदात की बाबर डी पी ओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की खसूसी हदायत पर महमूद हसन राना ओ सी यू डी एस पी सियालकोट को मुकदमा नंबर 21/23 मोरखा 7/11/23 जुर्म 392 थाना अगोकी के मुलजमान की गिरफ्तारी का खसूसी टास्क दिया गया, जो कि DSP महमूद हसन राना की जेरे निगरानी फाहद बिन फिदा इंस्पेक्टर के हमराह CIA की टीम ने देर रात कोशिश करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी की पेशा वराना महारतों को बुराई कर लाते हुए मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजमान के कब्जा से माल मसरू का 21.5 लाख रुपये और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला नाजायज बरामद कर लिया गया है, जबकि मुलजमान से मजीद तफ्तीशा जारी है। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने पुलिस टीम में शामिल अफसरान जवानों को मुलजमान को गिरफ्तार करने पर तारीफी सर्टिफिकेट और नकदी नवाज से नवाजा है।